नमस्कार। सो क्या आप लोगों ने डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी स्कॉलरशिप के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आपको बता दूं, सिम्बियोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन जो पुणे में लॉन्च किया गया था 2-3 साल पहले, और वो वैसे बड़ा फेमस है बिकॉज लोएस्ट फीस डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सर 10 लाख रुपये साल की फ़ीस लेते हैं और तभी गर्ल्स का फेवरेट है और टॉपर्स वहाँ पर जाते हैं, कट ऑफ बहुत हाई रहती है। पर जो अंदर की बात है, जो मोस्टली बच्चे, और मैं भी हैरान होता हूँ कि जो लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं उन्हें भी नहीं पता होता, या काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आई नो कि दिस मे नॉट बी द फैक्टर बट दिस कैन बी, पाँच बच्चों को फुल फी वेवर मिलता है। जी हाँ, फुल फी वेवर, दैट मीन्स आपकी पूरी पढ़ाई फ्री हो जाती है। और वो 5 बच्चों का सिलेक्शन बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जो अल्टीमेटली जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अभी आप नॉर्मल एडमिशन लेंगे, एडमिशन ख़त्म होने के बाद जब फाइनल जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है सिम्बियोसिस को, उसमें नीट स्कोर के हिसाब से टॉप के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को जो आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे कर दी थी वो भी वापस कर दी जाएगी और अगले पूरे कोर्स की फ़ीस फ्री रहेगी। तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है, वो क्लियरली बोलते हैं कि पहली बार एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी उनको नहीं पता ना कि कौन टॉप 5 होने वाले हैं राउंड 3 में। क्या अभी क्या पता उनको लगा कि हमने ऑल इंडिया रैंक 40,000, 42,000, 44,000 को दे दिया और थर्ड राउंड में कोई 34,000 वाला आ जाए। सो एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एंड द फीस एक्चुअली रिफंडेड, क्योंकि हमारे लास्ट स्टूडेंट ने हमको बताया एंटायर एकेडमिक फ़ी दी जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई फालतू टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हाँ, ये सब ये है कि जैसे जिसको मिला है अगर वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया, राइट, तो एप्लीकेबल एकेडमिक फ़ी फॉर द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन विल हैव टू पेड बाय द स्टूडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम अलोन। द स्कॉलरशिप विल रिज्यूम आफ्टर कैंडिडेट सक्सेसफुली पास विद द कंसर्न यूनिवर्सिटी एग्जाम। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी परमानेंट बंद हो जाएगी। तो होता है ना कि जो अगर आप फेल हो गए एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम दोबारा लेना है, तो उसका खाली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। देखिए, हॉस्टल और मेस पैसा देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इसमें एक झोल भी है कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ MBBS एंड द इंटर्नशिप 1 साल आपको सर्व करना पड़ता है एज जूनियर रेजिडेंट। तो इस तरह से 1 साल आपको सर्व करना पड़ेगा, और ये जो सिम्बियोसिस वाले हैं ये डिसाइड करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप फ्री में करोगे। सो जो भी उनका जूनियर रेजिडेंट का पे स्केल होता है वो आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, मतलब आपको वो रूरल एरिया में 1 साल एक तरह से बॉन्ड हो गया पहली बार एक प्राइवेट कॉलेज में। पर देखिए, आपके 50 लाख रुपए बच रहे हैं, सो 1 साल सर्विस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पर वो ये कहते हैं कि अगर आप बॉन्ड फॉलो नहीं करते तो फिर आपको वो पूरे 50 लाख देने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, 1 साल का बॉन्ड वर्सेज 50 लाख, राइट, तो वो आप सोच सकते हैं। और अगर आपको तुरंत PG में एडमिशन मिल गया तो भी इन्होंने आपके लिए रखा हुआ है कि अगर आप इमीडिएटली PG करना चाहते हैं, पहले आप इनसे अप्रूवल ले लीजिए। बहुत अच्छा, मतलब ये भी उन्होंने बताया, देखिए फ्री हो गया। लास्ट लाइन ये है, वैसे वेबसाइट पे भी डाला हुआ है समझाने के लिए, आपने PG ज्वाइन किया, वो कहते हैं कि हमसे परमिशन लो, अगर आपका 1 साल गैप हो रहा है फिर तो ख़त्म ही हो गया। ये नहीं कह रहे कि हमारे पास ही करो, क्योंकि ये तो प्राइवेट है और ये स्कॉलरशिप खाली UG बच्चों के लिए। लेट से आपका गवर्नमेंट में हो गया, जाओ एक बार, आपको इनको 50 लाख देने पड़ेंगे। एक तरह से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी ली है, रिटर्न में बात की जाएगी, अपना PG करके आ जाओ और PG करने के बाद आके हमारे पास 1 साल सर्विस कर दो, फिर हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे। लेकिन इसमें वही एक और लाइन भी है, देखिए 3 साल की PG और फिर आप वापस आओगे और 1 साल की सर्विस दोगे, राइट। तो एसेंशियली जो आपने इनको 50 लाख जमा कराए हैं वो 4 साल के लिए इनके पास रहेंगे। तो वो जो 50 लाख का आपका एक इंटरेस्ट कॉस्ट हम बोलते हैं, जो कि मरे से मरा भी मानो 8% साल के हिसाब से 12-13 लाख वो आपका कॉस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इमीडिएटली PG ज्वाइन करना है, एक भी साल नहीं देना, दिस स्कॉलरशिप मे नॉट बी गुड फॉर यू। आपको पैसे फिर भी वापस कर रहे हैं, पर वो आपसे यही कह रहे हैं कि पहले आप कॉलेज को पैसे वापस करोगे, PG करने जाओगे, वापस आओगे, 1 साल सर्विस दोगे, पैसे वापस लेगी, और उस 1 साल में भी इस बार फिर आपको सैलरी मिलेगी, वो भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की।
यूजी के बाद जूनियर की मिलती है, अब सीनियर की मिलेगी जो भी एक नॉर्मल नॉर्म होते हैं, लेकिन आपके 50 लाख फंस जाएंगे इनके पास मोटा मोटी 4 साल के लिए, राइट। तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि देख कई हम होते हैं लो बजट के लोग होते हैं, सरकारी जरा सा मिस कर गया, पैसा नहीं है, गर्ल चाइल्ड है अगर आपका, आप यहाँ पर पढ़वा सकते हैं, तो उनके लिए तो एक ड्रीम है। और इसी तरह की बहुत जानकारियाँ होती हैं कॉलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे। कभी कभार लोग हमेशा मुझसे कहते हैं सर राजस्थान कैसा है, सर यूपी कैसा है, सर यूपी के बारे में बड़ी बदनामी, जो खासकर जो दूर से बिलोंग करते हैं, टिपिकल राजस्थानी या एमपी का या महाराष्ट्र का। मैं कहता हूँ क्या पूरा यूपी एक ही है? और यूपी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट नोएडा भी तो यूपी है, और नोएडा तो यूपी है ही नहीं, वो तो पार्ट ऑफ दिल्ली हो चुका है, और दिल्ली तो मेरठ तक एक्सटेंड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बिल्कुल ही वो जो ईस्टर्न यूपी गोरखपुर साइड होती थी, गोंडा या यू नो उस तरफ आप जाते हो शायद आपको टिपिकल यूपी कल्चर मिलेगा, पर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो दिल्ली से सटका है, जिसमें आधे से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें वो यूपी का प्रभाव ना के बराबर है। किसी ने मुझसे हरियाणा के बारे में भी सेम बात पूछी, तो मैंने कहा हाउ कैन यू नो ब्लेम या लेबल वन स्टेट एज अ सेम कल्चर। सिमिलरली महाराष्ट्र के भी कुछ पॉकेट में दिक्कत हो सकती है, कर्नाटका के भी कुछ पॉकेट्स में दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मुझे राजस्थान नहीं जाना, मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे हरियाणा नहीं जाना, मुझे फलाना नहीं जाना। अब हिमाचल में जो MMU Solan है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, वो तो बस चंडीगढ़ से खाली 40 मिनट दूर है। इट इज़ नॉट टिपिकल हिमाचल ऑफ कांगड़ा और ऊना और उधर से चंबा, जहाँ पर अगर घुस गए आप तो यू नो प्लेन्स में आने में 3 घंटे लग जाते हैं। MMU Solan से और चंडीगढ़ तो फिर थोड़ा बहुत आगे हो गया, मतलब सोलन से उस कॉलेज से निकलते हो धर्मपुर और आप जो हरियाणा बॉर्डर है जिसे पंचकूला कहते हैं, मतलब ये एक्चुअली रीच इन लाइक 25 मिनट। मतलब मैं तो 40 मिनट तो मैं चंडीगढ़ का बोल रहा था ना, मतलब बट यू विल क्रॉस द बॉर्डर इन 25 मिनट, और इट्स मोर ऑफ अ प्लेन एरिया। मतलब थोड़ा बहुत तो हिल है ही, लेकिन इट्स नॉट एट वेरी हाइट, मतलब वो है भी 1200 मीटर पे ही, बट 25 मिनट ही दूरी है। तो हमें ये नहीं परसेप्शन लगानी चाहिए कि भाई हिल एरिया में तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें लिए देहरादून के कॉलेजेस, मैं हैरान हूँ, किसी ने मुझे फीडबैक दी सर हमने सुना है कि जो जॉली ग्रांट है ना उसके आसपास एक एक्स रिलीजन का एरिया है। मैंने कहा कमाल ही हो गई, मैंने कहा कभी आप कॉलेज में गए भी हो? कहते नहीं सर, मैं किसी दोस्त ने कहा हमने समझ लिया। मैं कहा बस देख कर आओ, मतलब उस कॉलेज के अंदर तो बिल्कुल वो गुरुकुल वाला माहौल है। अब जस्ट बिकॉज अ डिफरेंट रिलीजन हैज़ अ पॉपुलेशन क्लोज टू दैट एरिया, तो आपने एक परसेप्शन बना लिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, सोचिए। तो इन सब के परसेप्शन से बाहर निकलिए, बहुत एक रियल नॉलेज है अगर आपको मेडिकल एजुकेशन ठीक से करनी है, खासकर जब अब नेक्स्ट और 102 पक्का इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो प्लीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों पे फोकस करना जरूर बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के फैसला कीजिए, सिर्फ कट ऑफ को देख के, फीस को देख के, लोकेशन को देख के, वो सब तो फैक्टर्स होते हैं टू कंसीडर, बट लोकेशन का मतलब ये है कि मतलब लखनऊ कॉलेज इज़ गुड, राइट। पता चले कि वो एड्रेस उसका हापुड़ है, पर वो NCR कॉलेज है जो हापुड़ मेरठ रोड पे है, ना हापुड़ में है ना मेरठ में है। उनसे तो बेटर वो कॉलेज है ना जो प्योर लखनऊ में है, चाहे वो टिपिकल यूपी है और ये पश्चिमी यूपी है। सो ऑल दोज थिंग्स मैटर, राइट। सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, MBBS 2023 एडमिशन, आई एम श्योर 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी MCC की तरफ से, और मिड जुलाई तक आई थिंक MCC का राउंड 1 स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, वी स्टिल हैव फ्यू सीट्स लेफ्ट फॉर अवर प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज, 9643362320 पे कॉल कीजिए। और फर्स्ट कॉल मैं रिपीट करता हूँ, मीटिंग या कॉल इज़ फॉर नोइंग ईच अदर एंड गिव यू अ ब्रॉड परस्पेक्टिव। 2500 रुपये फीस होती है अगर आप फ़ोन पे लेना चाहते हैं काउंसलिंग, 5000 रुपये अगर आप आके मिलना चाहते हैं, और उस मीटिंग में ही हम लास्ट में डिसाइड कर लेते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। आप खुद से कीजिए, हमसे करवाइए, और लेकिन उस मीटिंग के बाद आपको अगर कुछ भी पूछना है तो यू हैव टू टेक दी काउंसलिंग पैकेज, राइट। कभी कभार लोगों को लगता है कि जी एक बार 2500 रुपये दे दिए तो व्हाट्सएप पे सर आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। देखिए मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, इट इज़ माई प्रोफेशन एज ए गुड पर्सन, मैं आपको एक कॉमन जानकारी दे देता हूँ जो मैंने आपको अभी दे दी, लेकिन अगर मैं हर एक इंसान को सब कुछ कॉमेंट करता रहूँगा, रिप्लाई करता रहूँगा, तो फिर अपना काम कब करूँगा जिससे मुझे भी तो कुछ अर्न करना है, राइट। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।